सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों का आरसी गुम हो चुका है कोई भी गाड़ी का, तो आप लोग का इंजन नंबर चेसिस नंबर भी चला गया होगा, तो आपको क्या करना है। अगर आरसी न्यू निकालना है तो इंजन चेसिस नंबर ज़रूरत है, या फिर आप लोग इंश्योरेंस करेंगे तो भी इंजन चेसिस नंबर ज़रूरत है। अगर आप लोग नंबर प्लेट भी करना चाहते हैं तो भी आपका इंजन नंबर चेसिस नंबर ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग बिना आरसी के आप लोग जो है इंजन नंबर चेसिस नंबर अपना पता कर सकते हैं बिल्कुल सही। दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी भी एक इंश्योरेंस के ऐप हो या वेबसाइट पे चले जाना, जैसे कि मैं आया हूँ टर्टलमिन प्रो में। यहाँ पे आने के बाद मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है, बाइक का सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाइक जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको बोलेगा आपका जो है गाड़ी नंबर एंटर कीजिए, जो कि मैं एंटर करके गेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। गेट कोड यही वाला है, ये हाईलाइट हो जाएगा, तो क्लिक गेट कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा ऑप्शन, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपको नेक्स्ट पे फिर भी क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपका मॉडल पता है तो मॉडल डाल दीजिए, अदरवाइज आप लोग कुछ भी डाल दीजिए। जैसे मैं एक मॉडल ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, जो भी मॉडल हो दोस्तों आप लोग को अपने हिसाब से डाल देना है। इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मॉडल आपका ज़रूरी है डालना, अगर पता है तो डाल दीजिए सही, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे मैंने डाल दिया, डालने के बाद में यहाँ ऐड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना, थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देना। आपको जैसे थर्ड पार्टी पे क्लिक करोगे तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको आएगा कि कब एक्सपायर हुआ था, तो वो भी डाल देना। नहीं पता तो वैसे डालने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ रेफरेंस नेम मांगेगा, आपका अपना नाम डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए। डालने के बाद में यहाँ पे इंश्योरेंस दिखा देगा, आपको दोनों में किसी में भी बाइक के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आपको बाइक करना नहीं, सिर्फ इंजन नंबर चेसिस नंबर पता करना है, तो प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर देना। आपको जैसे प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका क्या डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, पैन नंबर मांगेगा। आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, तो हम लोग के पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरा डाल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हम लोग फेक पैन कार्ड नंबर डाल दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। डाल देने के बाद में यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, केवाईसी नहीं हुआ, पैन नंबर फेच नहीं किया, इस वजह से ऐसा, आप तो या तो ओटीपी बेसिस पे केवाईसी कर लीजिए या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट। तो सिंपली हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना, जिससे आपका दूसरे किसी का भी अदर हो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में मैं आधार सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे यस कर दीजिए। अब यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर, तो दोस्तों मैंने फ्रंट बैक आधार का अपलोड कर दिया। अब ये इस तरह का डिटेल आ गया। अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए थैंक यू लिखा आ गया। अब यहाँ पे आपका डिटेल वो ऑटोमेटिक फेच कर लिया है आपका आधार का, कोई भी फेक आधार कार्ड भी दे दो तो भी चलेगा। तो सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना, अपना नाम डाल देना है, नाम तो ऑटोमेटिक आ गया। आपको एक ईमेल डाल देना है, कोई भी ईमेल, और यहाँ एक मोबाइल नंबर, फेक मोबाइल नंबर ही वैसे ही डाल देना है, जैसे कि मैं ये डाल दिया। अब यहाँ पे ये सारा डिटेल ले लिया, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए सारा डिटेल ले लिया। अब मेल पे क्लिक कर दीजिए, नॉमिन एक डाल दीजिए किसी का भी, ठीक है, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। दोस्तों, हम लोग ऐसे नॉर्मली फिलअप कर रहे हैं, प्रोसीड्योर कर रहे हैं ताकि आपको ये मिल जाए, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो है इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा एकदम जेन्युइन सही आ गया। देखिए इंजन नंबर आ गया और चेसिस नंबर आ गया, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो डाले थे हम लोग, तो वो भी आ गया, और गाड़ी फाइनेंस पे है या नहीं है वो भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके वीडियो से आप लोग कम्प्लीटली जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ, आप लोग आसानी से घर बैठे अपना खोया हुआ इंजन नंबर, चेसिस नंबर जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।